वर्ल्ड कप भारत की इंग्लैंड के खिलाफ 100 रन से कामयाबी। इंग्लिश टीम को पांचवीं शिकस्त। आईसीसी वर्ल्ड कप के 29वें मैच में भारत ने दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को 100 रन से शिकस्त देकर इवेंट में मुसलसल छठी कामयाबी हासिल करते हुए सेमीफाइनल में पहुंचने का रास्ता बहुत आसान कर लिया। भारत के हाथों शिकस्त के बाद इंग्लिश टीम का सेमीफाइनल में पहुंचना मिशन इम्पॉसिबल हो गया। इंग्लैंड की 6 मैचेस में ये 5वीं हार है। लखनऊ के ब्रेसबी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने टॉस जीतकर पहले भारत को बैटिंग की दावत दी। भारत ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 229 रन बनाए। कप्तान रोहित शर्मा 87 रन बनाकर नुमाया रहे। 230 रन के ताकुब में इंग्लैंड की टीम 34 5 ओवर में 129 रन बनाकर अलिफात हो गई। भारत की इनिंग्स। भारत की जानिब से रोहित शर्मा और शबमन गिल ने इनिंग्स का आगाज किया, लेकिन 26 के मजमुए पर शबमन गिल 9 रन बनाकर बोल्ड हो गए, जबकि विराट कोहली भी 9 गेंदों पर बगैर कोई रन बनाए कैच आउट हो गए। भारत के तीसरे आउट होने वाले खिलाड़ी शेरियास आयर थे, जो 4 रन बनाकर क्रिस वोक्स की गेंद पर मार्क वुड के हाथों कैच आउट हुए, जबकि ब्लूशर्ट्स को चौथा नुकसान 131 पर हुआ, जबकि एल राहुल 39 रन बनाकर आउट हुए। इसके अलावा भारतीय कप्तान रोहित शर्मा 87 रन बनाकर पवेलियन लूटे, जबकि सूर्या कुमार यादव 49 और जसप्रीत बुमराह 16 रन बनाकर अलिफाट हुए। जडेजा ने 8 और मोहम्मद शामी ने 1 रन बनाया। कुलदीप यादव 9 रन बनाकर नाथ अलिफाट रहे। भारत ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 229 रन बनाए। इंग्लैंड की जानिब से डेविड वली ने 3, क्रिस वोक्स और आदिल रशीद ने 2-2 विकेटें हासिल की। इंग्लैंड की इनिंग्स। 230 रन के हदफ के ताकुब में इंग्लिश बैटिंग लाइन पत्तों की तरह बखर गई और पूरी टीम 34.5 ओवर में 129 रन बनाकर अलिफात हो गई। लियाम लिविंगस्टन 27, डेविड मिलान 16 और मोइन अली 15 रन बनाकर नुमाया रहे। इनके अलावा जोनी बियरसिटो 14, जोस बटलर और क्रिस वोक्स 10-10 रन बना सके। जो रूट और बेन स्टोक्स 0 पर अलिफाट हुए। भारत की जानिब से मोहम्मद शामी ने 7 ओवर में 22 रन देकर 4 खिलाड़ियों को अलिफाट किया। जसप्रीत बुमराह ने 32 रन देकर 3, जबकि कुलदीप यादव ने 8 ओवर में 24 रन देकर 2 विकेटें हासिल कीं।